सारे बच्चे कान खोल के बात सुन लो, सबके सब एक लाइन में चलेंगे, कोई भी अपनी लाइन से बाहर नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? मैम बौखला गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, गिनती के तो चार बच्चे आए हैं यहाँ पे, हमें भी बोले लाइन में रहो। और यहाँ पे और स्कूल के बच्चे भी आए हैं, तो मेरी नाक मत कटवाना और स्कूल की इज्जत रख लेना थोड़ी बहुत। इज्जत? अबे कोई की इज्जत रख ले, जब हम लोगों की कोई इज्जत नहीं, हम अपने स्कूल की इज्जत क्यों रखे? बेवड़ी मैम, बौखला गई। अब मैं एक एक करके सबका नाम ले रही हूँ, वो निकलो यहाँ से। फरीदून? यस मैम। अदिति? यस मैम। प्रियंका? यस। शनाया? यस मैम। यश? यस मैम। यार अदिति, जगह तो बढ़िया सी लग रही है, चलो घूम के आते हैं। अब इतने सारे पैसे खर्च कर ही लिए हैं, देखते हैं ना क्या क्या है यहाँ पे। चल। हाँ यार, यहाँ पे गोरा भी होगा, चलो गोरी की तुगरुक तुगरुक सवारी लेके आते हैं। ठीक है चलो। अबे यार इनकी भैंसिया हमेशा ऐसी करते हैं, छोड़ दिए ना उन्हें अकेले मेरे को। अबे यार बीड़ी खाए बीड़ी, अड़िया पक्का मैम के बैग में होगी बीड़ी, चोरी कर लेती हूँ। अरे सारे बच्चे कहाँ चले गए, इन सबको बोला था एक जगह रहना, पक्का ये मेरी नौकरी खाएंगे। हाँ मर गए ये सारे बच्चे। ए भगवान, ये सारे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तो रुको, अरे नलायको तुम नीचे नीचे उतरो, ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। अरे अरे मैम, आप क्यों भाग रहे हो ट्रक के पीछे? आ जाओ मैं आपको अपने बाहों में लेके ट्रक में बिता देता हूँ। ए चल हट, तू क्यों रखेगा, साइड क्लास है मेरा, मुन्नी मैडम में क्रश है, मैं बिठाऊंगा उनको अपनी बाहों में लेके ट्रक में। आ जाओ मैम। ओए चुप करो दोनों के दोनों, मैम को ट्रक में नहीं बैठना, यहाँ पे मैराथन रेस की प्रैक्टिस चल रही है ना, इसलिए मैम को रेस जीतनी है, इसलिए वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, तुम अपना एंजॉय करो। है सच में ऐसा है क्या? अरे मैडम आ जाओ, कम ऑन कर सकती हो? वाओ मैम गुड मैम, ये अरे भगवान, नीचे उतर जाओ प्लीज, नीचे उतर जाओ बच्चों, नीचे उतर जाओ तुम लोग। अब तुम मेरा निशाना देखियो कितना तगड़ा होगा, बिल्कुल सटीक लगेगा सटीक। अबे चल, चाय कम दूध कम, अब देख मेरा निशाना कितना जहरीला इसके ऊपर छोड़ देता हो। अबे यार थोड़ा ध्यान से मार ना, पिछली बार कहीं और ही मार दिया था। अरे यार तू चिंता मत कर, तू तो जानता है मेरा निशाना कितना तगड़ा है और इसकी मैं गारंटी देती हूं। अबे तू क्या ज्यादा बोली, तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं, तूने ही मार दिया था वहीं पे ही, और तेरी दर्द हुई थी ना मुझे उसको बाद में, उसका निशाना तो मुझको पता है अच्छा है, लेकिन तू अपना देख। क्या बात है, बड़े निशाने विशाने लगाए जा रहे हैं, मुझे तो बुलाया भी नहीं। हाँ हाँ आजा आजा खेल ले तू भी। और वैसे तुम्हारे पास तो इतनी छोटी चीज है निशाना लगाने के लिए, मेरे पास तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कौन सा निशाना है तुझ पे? नहीं 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 नहीं। कर रहे हो और शनाया कहाँ पे है? अरे मैम वो हम ना गुलेल से खेल रहे थे और एकदम से शनाया को गुलेल पे रख के दूर से फेंक दिए, पता नहीं कहाँ गई, आपने उसको देखा है क्या? ढूंढने मिली नहीं थी। ए भगवान, तुमने एक छोटी सी पोवी खो डाली, चलो मिलके ढूंढो उसे। अरे मैडम, ओए ओए, मुझे तो लग रहा शायद वहाँ पर है वो शनाया, देखो देखो झाड़ियों में दिख रही है आपको, या तो नेट पे होगी, चलो चलो वहां जाके देखते हैं, चलो। किधर है, किधर? अरे ओए आंखों की अंधी, वो रहा। ठीक है जाओ जाओ पकड़ के लाओ उसे।
ये धीरे धीरे चलो यार। तेरी तो मजा आया है। किसे बोनी बोल रहा था? बोल बोल। अबे चल, अबे बोनी को बोनी ना कहो, बोना कहो क्या? अरे अब क्या हो गया, क्यों लड़े जा रहे हो? अबे यार अभी तक तुम लोगों के सस्ते नशे खत्म नहीं हुए। अरे यार कोई इस खाली बोतल को चुप कराओ। अदिति तू मुझे बता क्या हुआ है? मैं बताती हूँ, ये ना मेरे को बोल नहीं बोल रहा था। तुझे क्यों हंसी आ रही छुचंदर? अरे यार उसने सही तो बोला है, उसने कोई झूठ थोड़ी बोला है। बोनी को बोनी ना कही तो क्या बोले? तो अरे हट यार, क्या जानवरों की तरह सारा टाइम लड़ते रहते हो, हर जगह शुरू हो जाते हो लड़ने के लिए। और इतना ही शौक है ना अपनी मर्दानगी दिखाने का, तो चलो हमारे साथ टग ऑफ वॉर खेलो। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बकरी का बंदर। टग ऑफ वॉर? अब ये कौन सी बीमारी है बहन? अरे एक रस्सी खींचने वाला गेम होता है, अगर हम सामने वाली टीम को गिरा देंगे ना तो हम जीत जाएंगे और वो हार जाएंगे। ठीक है फिर खेलते हैं, तुम्हें मैं हरा दूंगी। नाश हो तुम बच्चों का। मैंने मना किया था कि मत खेलो ये गेम, पर नहीं, अब कर लिए ना सारे कपड़े गंदे। और तुम तो नए कपड़े भी नहीं लेके आए होगे पहनने के लिए। ए मैडम किन्ने आ दी, हम नए ड्रेस नहीं लाए। हम ना पूरा जुगाड़ करके लाए थे घर से, हम लाए कपड़े। हाँ तुम तो बहुत तेज हो बच्चों। अरे गए किस पे मैडम, आप पे ही तो गए, मुन्नी मैम पे ही गए हम। तो एक काम करो, जल्दी से जाओ इनको धो के सुखा दो और नए कपड़े पहन के आ जाओ। जी मैडम, अभी जा रहे हैं, अभी आते हैं। चन चन के पकड़ूंगी, चन चन के मारूंगी तुम लोगों को। अबे चल आंखों की अंधी, जब तेरे आंखें खुल रहे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तेरे आंखें बंद होके मेरे कद्दू दिखाई देगा। बहुत हंसी आ रही ना तुम लोगों को, एक बार मेरे हाथ आ जा। साले कुत्ते तोतले, तुझे मैं बताऊंगी। अबे यार तुम लोग लड़ना बंद करो और तू हमें पकड़ना अच्छे से। अबे यार मैम तुम्हें गलत फाड़ फाड़ के बुला रही है खाना खाने के लिए, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी चलाओ। अबे आप फसड्डी गई की, ज्यादा ना धमाल मत चलाया कर, मैम की चेली बक बक करती रहती है। चलो खाना खाने चलते हैं। हट। अरे नलायको कहाँ मर गए थे तुम? हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे फ्री का खाना मिलता है, खाना नहीं है क्या तुम्हें? क्यों बात कर रही हो मैम, फ्री का खाना? अगर हमें पता होता ना तो हम सबसे पहले पहुँचते। चल रहा जल्दी से खाते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी जाओ और लपेट लो सारा खाना। कुछ भी नहीं अच्छा करने के लिए यार, सच कह रहे कुछ भी नहीं है, क्या करे। वो देखो, वो देखो वो लड़का, देखो हवा में कितने उड़ रहा है। चलो चलो हम भी उड़ने चलते हैं। हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो चलते हैं, मजा आएगा। और बच्चों कहाँ जा रहे हो? मैडम वो देखो वो लड़का ना हवा में जल परी बन के उड़ रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी चलोगी? तुम लोगों का दिमाग खराब है, कहीं नहीं जाना तुम्हें। मैं एक काम करती हूँ, मैं पानी पी के आती हूँ, फिर सारे मिल के बैठ के पिकनिक मनाएंगे, ठीक है? अबे यार अब क्या करे, क्या करे क्या करे, कभी हमने अपनी टीचरों की सुनी है, जो मुन्नी मैडम की सुनेंगे। चलो यार हम तो चलते हैं। अबे यार कभी कभार मैम की भी बात माननी नहीं चाहिए, हम मैम की भी सुन लेते हैं ना। क्यों तो मैम की इतनी बड़ी चेली क्यों बन रही है, फिर से मैडम की बीड़ी भी है ना तूने? अरे नहीं नहीं मैंने कोई बीड़ी नहीं पी है, जहाँ तू बोल रही है वहाँ चलते हैं। चलो। अबे यार ये शैतान बच्चे कहाँ चले गए, पक्का जिपलाइन करने गए होंगे, इनको मैं अभी बताती हूँ। अरे नालायको नीचे आ जाओ, वरना तुम्हारे मम्मी पापा को शिकायत कर दूंगी मैं। यार ये तो नीचे आएंगे नहीं, और इनको देख के मेरा भी मन कर रहा है मैं भी जिपलाइनिंग कर लूँ।
एक काम करती हूँ, कर ही लेती हूँ। चुन चुन के मारूंगी तुम्हें। खेलोगे? घर नहीं जाना क्या? जल्दी चलो, बाहर बस वेट कर रही है तुम्हारा। मैम प्लीज, अभी अभी तो हम आए हैं, प्लीज मन नहीं कर रहा जाने का। जितना बोला गया उतना करो, वरना तुम मुझे जानते ही हो, मेरा नाम भी मुन्नी है, एक एक को तोड़ दूंगी। ठीक है मैम, आप फिर प्रॉमिस करो कि अगले संडे यहाँ पे आप पिकनिक के लिए जरूर लाओगे। चलो अब ले आऊंगी अगले संडे, अब मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है चलो। इनका सामान भी चुरा लिया हमने। कैसे लगे आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल आदित्य शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई एम आदित्य शर्मा और मिलती हूँ मैं जल्दी एक बार लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।